जीवन का सबसे बड़ा सच है, कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ेगा, तुमने क्या किया है मेरे लिए। विश्वास करो, आप सफल हो जाओगे। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान होता है। विचार बनाए जिंदगी पास है। इस दुनिया में चार जहां आज होते। कुछ भी नहीं है, कल वहां बहुत कुछ हो सकता है। पहला इंसान जो हमारे चारों ओर वो है जो हमें दृश्य नहीं दिखा पाती है। मैं कुछ साल पहले बड़ा आदमी अपने और बनूंगा, आप देखना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही तीसरा इंसान। डर के आगे जीत है। अपने और अपने परिवार और रिश्तेदार के बारे में सोचता है। बाबा, उम्र के हिसाब से जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती है। फिकर मत करिए, हम गरीबी से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वही हमारे राजनेता, अभिनेता, राजनेता सब बनते हैं। जो भी करेंगे दिल से करेंगे। आप भाषण देते समय समस्या पैदा करने के बजाय समस्या सुलझाओ, आदमी बढ़ाने का चिंता करो। अपने आप को सस्ते में ना बेचो। यह जान लो, आप जितना अपने आप को समझते हो आप उससे कई गुना बेहतर हैं। बड़ा सोच के बड़ा बन जाओ या छोटा सोच के छोटा। अपने जिंदगी के इस सफर में आप इस मोड़ तक आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर की आवाज कहती रही है खुश रहना आपका हक है। आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि आप दुनिया के लिए कुछ कर सकें और खुद को साबित कर सकें। हर वो अनुभव जो हुआ, समय की दौलत आपके पास है। इस दुनिया में चार तरह के इंसान आपको इसी पल के लिए तैयार कर रहा था। पहला इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जान लें कि आप ही अपने भाग्य के विधाता हैं। दूसरा इंसान सोचिए इस रहस्य को जान लेने अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। क्या आप क्या नहीं कर सकते, सोचिए। यही तीसरा इंसान क्या करना चाहेंगे, इस सुनहरे मौका का फायदा कैसे अपने और अपने परिवार और रिश्तेदार के बारे में सोचता है। नृत्य कोई और नहीं कर सकता। आज जो चौथा इंसान होता है ना, बड़ा गजब के इंसान है। क्या करेंगे इसका फैसला अभी करना होगा। ए टू जेड वही हमारे राजनेता, अभिनेता, राजनेता सब जबरदस्त खूबी है। मैं जानता हूं कि आप महान हैं। चाहे आप किसी की जिंदगी में कुछ भी हुआ हो, आप बच्चे हो या बूढ़े हो, जिस पल सही सोचना शुरू करेंगे आपके अंदर कुछ ऐसा है, एक ऐसी शक्ति है जो बाहरी शक्ति से कहीं बड़ी है, वो प्रकट होना शुरू कर देगी और आपकी जिंदगी पे हावी हो जाएगी, आपको खिलाएगी पहनाएगी, आप के अतीत को बनाए रखेगी। अगर आप ऐसा करने दे तो अच्छा महसूस करिए, अच्छा सोचिए।